श्रेणिकों का योग यानी सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन अपन फोर जो कि माइनस बी अपन ए के बराबर होता है एंड श्रेणिकों का गुणनफल माइनस वन है तो माइनस वन अपन वन लिख सकते हैं चूँकि यहाँ ए की वैल्यू फोर हो चुकी है यहाँ भी ये होती है इसलिए इसमें फोर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और इस तरह से माइनस फोर अपन फोर हो जाएगा सी की वैल्यू माइनस फोर और ए की वैल्यू फोर हो जाएगा तो ए की जगह पर फोर भर देंगे बी की जगह पर वन आ जाएगा और सी की जगह पर माइनस फोर आ जाएगा। इस तरह से द्विघात बहुपद जो होगा द्विघात बहुपद इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस फोर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में श्रेणिकों का योग रूट टू है और श्रेणिकों का गुणनफल वन अपॉन थ्री है प्रोडक्ट है। श्रेणिकों का योग यानी सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट टू अपॉन ए यानी माइनस बी बटा अपॉन ए होता है। फिर यहाँ श्रेणिकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा वन अपॉन थ्री है सी बटाई ए की वैल्यू यहाँ आप देख रहे हैं थ्री है और यहाँ ए की वैल्यू वन हो रहा है इसलिए इसमें ऊपर नीचे थ्री से मल्टीप्लाई करके ए को थ्री किया जाएगा और ये थ्री रूट टू बी की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से ए की वैल्यू थ्री हो जाती है बी की वैल्यू जो होती है थ्री रूट टू हो जाती है सी इक्वल टू वन होता है। इस तरह क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको इससे तुलना करके देखा जाए तो ए की जगह पर आप थ्री लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू थ्री रूट टू एक्स है और सी की वैल्यू वन हो जाता है। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ आपको बताना है कि हाँ इसके जीरो कितने हैं तो ग्राफ आप देख लीजिए कि ग्राफ एक शख्स को कितने बिंदु पर काटती है जितने बिंदु पर काटती है उतने उसके जीरो लिख देना है। यहाँ देखो P1 P2 और P3 है तो तीन बिंदुओं पर काटती है इसलिए शून्य किसके हो जाएंगे शून्य के बराबर थ्री हो जाएगा यानी जीरो इक्वल टू थ्री। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बस इतना ही लिख देना है कि ये जीरो की वैल्यू कितनी होगी। तो एक्स अक्ष को देखिए ये है एक्स एक्स और एक्स डैश एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है तो एक शख्स को एक ग्राफ जो जा रही है वो एक यहाँ काट रही है एक यहाँ काट रही है तीन बिंदुओं पर एक्स को डिवाइड इंटरसेक्ट कर रही है इसलिए इसका जीरो जो होगा थ्री होगा। और इसी प्रकार से आप पहले एक्सरसाइज को कर सकते हैं। पहले एक्सरसाइज में आपको कहीं ग्राफ अगर नहीं कटती है एक शख्स को कहीं काटती ही नहीं है तो उसके जीरो जो होगा वो शून्य हो जाएगा उसका कोई जीरो नहीं होगा बस।